तो ये दिन था 14 जुलाई 2022 का, जब मैं सम्मा सट्ठा से अमरूका की ब्रांच लाइन के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को कवर करता फिर रहा था। खैरपुर टामे वाली रेलवे स्टेशन से वापस चिश्तियाँ जाते वक्त मुझे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन नज़र आया जो कि चिश्तियाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद था। खैर मैं यहाँ पे ज़्यादा वक्त तो नहीं रहा क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के पास बहुत ज़्यादा वीराना भी था और दूसरा इस रेलवे स्टेशन पे कुछ ख़ास इतना था भी नहीं दिखाने वाला, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना इस छोटी सी बस्ती या एक छोटे से गांव के एक हाउंटेड रेलवे स्टेशन आप सबको भी दिखाया जाए। दोस्तों पाकिस्तान रेलवेज के अक्सर रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि अब बिल्कुल तौर पर एबंडन हो चुके हैं, जिन में से कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनकी सिर्फ बाकियात ही रह गई हैं। मिसाल के तौर पे मेन लाइन 1 पे उकाड़ा या रेनाला खुर्द रेलवे स्टेशन और पत्तोकी के दरमियान में सहजोवाल का रेलवे स्टेशन आता है जो कि भूत बंगले का सा नज़ारा पेश करता है, और इसके अलावा मिसाल के तौर पे मलकवाल से भेरा की ब्रांच लाइन पे कंगनपुर जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन अब भूत बंगले का सा नज़ारा पेश करने लगे हैं। तो सम्मा सट्ठा से अमरूका की ब्रांच लाइन 2011 के बाद से बंद है, तो इसके बड़े बड़े स्टेशन भी अब बहुत ज़्यादा वीरान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे कस्बों के थ्रू पास रेलवे स्टेशन हैं जो कि अब पूरे ही डरावने और भूत बंगला बन चुके हैं। तो आपको लेकर चलता हूँ मैं सादिकपुर के एक एबंडेंट और खौफनाक रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए दोस्तों अब अपनी इस बेरंग सी जिंदगी में थोड़े से रंग भरते हैं और आपको हॉन्टेड नाइट्स की दुनिया से निकाल के कलरफुल दुनिया में लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बख्शन खान और चिश्तियाँ के दरमियान एक छोटे से गांव सादिकपुर में, और सामने आपको इसका एबैंडन्ड रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है सादिकपुर, ये आप देख सकते हैं। थ्रू पास रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप नहीं हुआ करता था, यहाँ से बस ट्रेन को थ्रू सिग्नल मिला करता था, और ये आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग बिल्कुल ही खस्ता हालत में पड़ी हुई है, और ये कुछ अंदर के हालात हैं, ख़त्म हुई पड़ी बिल्डिंग। ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, शेड हुआ करता था यहाँ पे, और यहाँ पे टिकट घर भी मौजूद है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इसकी कि यहाँ पे सिर्फ थ्रू सिग्नल होता था ट्रेन का, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। और ये दोस्तों आउटसाइड बिल्डिंग में ले आया हूँ मैं आपको बाहर से सादिकपुर रेलवे स्टेशन की, ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सामने है, वो सामने आपको हाईवे नज़र आ रही है चिश्तियाँ वाली, और उसके बिल्कुल साथ ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए गए हैं और ये छोटा सा एक प्लेटफॉर्म भी नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे कोई लूप लाइन मौजूद नहीं है, सिर्फ ये सिंगल लाइन है, और इसी सिंगल लाइन ये एक बिल्कुल बात ये शो करती है कि ये थ्रू सिग्नल स्टेशन है। और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे पानी पीने के लिए, जो यहाँ पे जो इंतज़ाम हुआ करता था सादिकपुर पे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है सादिकपुर की भी, गाँव है एक छोटा सा ये, तो ये सोलिंग लगी हुई है, छोटा सा इसका प्लेटफॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों बादल आ रहे हैं काले, सामने से बारिश भी शुरू होने वाली है, और घर पहुंचना है मुझे चिश्तियाँ, तो सोचा आपको रास्ते में ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन नज़र आया मुझे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है लेकिन बिल्कुल तबाह हाल हुई पड़ी है, तो ये साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कमरा नुमा एक चीज़ है, तो ये ASM वगैरह का कमरा हुआ करता होगा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब का, कंफर्म तो नहीं है। तो ये कमरे की आप हालत देख रहे हैं,
अंदर से भी। ये बिल्कुल एक साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये दोस्तों गैलरी है स्टेशन की, मेन गैलरी। और ये स्टेशन की जो मेन रूम वगैरह है, ये मुझे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब का कमरा लगता है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का जो स्टाइल होता है वो स्टेशन मास्टर साहब के कमरे का होता है। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों बिल्डिंग के साथ हरे भरे खेत मौजूद हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ बिल्कुल हरियाली हरियाली है इस बिल्डिंग के साथ, और सामने हाईवे है। दोस्तों मैंने आपको सादिकपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग एक्सप्लोर करवाई, जो कि मैं अभी पास से गुजर रहा था, चिश्तियाँ जा रहा था हासिलपुर से, तो मुझे नज़र आ गई। उम्मीद करता हूँ सम्मा सट्टा अमरुखा ब्रांच लाइन का ये एक थ्रू पास और छोटा सा अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।